हेलो पब्लिक, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया मस्त। तो भाई मैं हूँ अभी थाईलैंड में और मैं हूँ अभी बैंकॉक। तो बैंकॉक के मैं हूँ डीएमके एयरपोर्ट, डॉन मोइंग समथिंग कुछ बोलते हैं, तो शॉर्ट में इसको बोलते हैं डीएमके एयरपोर्ट। तो भाई मैं अभी जा रहा हूँ मलेशिया और ये आपके लिए ना वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मलेशिया का वीज़ा ऑन अराइवल हम कैसे ले सकते हैं। मैं आपको अपनी जर्नी का पूरा ब्रीफ दूंगा कि मैं कैसे यहाँ से कुआलालंपुर जा रहा हूँ। कुआलालंपुर मलेशिया की मेन कैपिटल है, जो मतलब कैपिटल कुआलालंपुर ही है। बट ये वीडियो आप ज़रूर पूरी देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज इससे आपको मिलने वाली है कि हम कैसे वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। क्योंकि पहले वीज़ा ऑन अराइवल था नहीं, ये शायद अक्टूबर 2022 के बाद कोई रूल आया है समथिंग। कोई डेट अगर मेरी ऊपर नीचे मिसिंग होगी तो उसके लिए सॉरी, आप कमेंट करके मुझे बता देना कि अब इंडियंस भी वीज़ा ऑन अराइवल मलेशिया में ले सकते हैं। तो उसका पूरा ब्रीफ मैं आपको अपनी जर्नी में दूंगा और इस वीडियो में दूंगा। अब मलेशिया में क्या क्या घूम सकता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो से जुड़े रहो और जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, थोड़ा सपोर्ट कर दो, क्योंकि मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देने वाला हूँ आपको वीज़ा ऑन अराइवल पर। भाई एयरपोर्ट पर तो चेक इन हो चुका है और इमिग्रेशन भी क्लियर हो चुका है। मैं भी ऐसे बैंकॉक में ही हूँ, मतलब मेरा एग्जिट इमिग्रेशन हो चुका है और ज़्यादा कुछ मेरे से पूछा कुछ भी नहीं है, बस पासपोर्ट देखा, एग्जिट स्टैंप लगा दिया और बाकी जो एयर एशिया वाले हैं उसने ज़रूर पूछा था कि कितने दिन रुकोगे, कहाँ कहाँ रुकोगे। तो भाई मैंने बता दिया ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, यहाँ रुकूँगा। और कार्ड के लिए पूछा था, मैंने बोल दिया कार्ड भी है और कैश भी है, तो मैंने $500 कैश ले रखे हैं और 700 रिंगेट डॉलर मैंने जो मलेशियन करेंसी है वो ले रखा है। चलो अभी चलते हैं एयरक्राफ्ट की तरफ। बाकी इस वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज दूंगा। और ये मेरा बोर्डिंग पास आ चुका है, तो चलो अभी चलते हैं, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ मलेशिया में। और कुछ इसी बीच कुछ जानकारी होते तो वो बता दो। बाकी मेरे साथ तो बहुत ही बड़ी चोट हो गई यार, यहाँ मेरे पास मेरा फेस वॉश था, फेस स्क्रबर था, SPF क्रीम थी, साला सब ले लिया सिक्योरिटी पे, क्योंकि 100 ml तक कोई भी है प्रोडक्ट वो अलाउड होता है, 100 ml से ऊपर वाला मना कर दिया कि अलाउड नहीं होगा। मेरा वो 150 ml कहते सारे, कम से कम 6,500 रुपये का सामान का नुकसान हो गया। बट कोई ना, चलो झेलता है ये भी नुकसान। वेलकम टू कंट्री नंबर 3 मलेशिया। तो भाई फाइनली मलेशिया में आ चुके हैं और ये देखो मेरे स्टैंप लग चुकी है, ये मेरे को वीज़ा मिल चुका है ऑन अराइवल वीज़ा। और भाई बहुत ही स्मूथ क्लियरेंस हुआ है, कोई भी माता फोड़ी नहीं थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे यहाँ पे, बहुत इजीली। और पता है विदिन 20 to 25 minutes में मुझे वीज़ा मिल गया। खाली था एयरपोर्ट, तो अभी बहुत खाली है, भरा हुआ नहीं है एयरपोर्ट, पर फिर भी बहुत सोचने वाली बात है, विद इन 20 minutes मुझे वीज़ा मिल गया, अमेजिंग है। यहाँ से भाई अब मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ जो है KL टावर के पास, जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है यहाँ की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, मतलब इस सीरीज़ में। तो यहाँ से बस चलती है डायरेक्ट, तो बस में जाएंगे क्योंकि कैब बहुत ही महंगी पड़ेगी। और बस कितने की पड़ती है वो मैं आपको बताता हूँ, एयरपोर्ट पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, आप वो फॉलो करके बस तक पहुँच सकते हो। तो चलो वहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ वीज़ा ऑन अराइवल प्रोसेस, कुछ बैठने की सही जगह मिल जाए वहाँ बैठते हैं, फिर वीज़ा ऑन अराइवल मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ आप कैसे ले सकते हो।
देखो भाई नीचे बस स्टैंड पर तो मैं आ चुका हूँ और बस स्टैंड है लेवल वन पे, तो आप जैसे ही आओगे तो हर जगह आपको ना वो दिख जाएंगे साइनेज लगे हुए कि बस के लिए कहाँ जाना है आपको। यहाँ पे काउंटर बने हुए हैं, आप डायरेक्ट जाके टिकट ले नहीं सकते। ये देखिए इधर एक काउंटर बने हुए हैं, वहाँ से आपको बस की टिकट लेनी है जैसे आपको कहाँ जाना है। तो मेरा हॉस्टल के एल टावर के पास है, तो मैंने के एल टावर की स्लिप ले ली है। ये देखो ये मेरी है 15 यहाँ की जो करेंसी है रिंगिट मलेशिया जो भी करेंसी है इनकी, तो ये अप्रॉक्सीमेट 280 रुपये की मुझे यहाँ से पड़ी। और ये अगर मैं कैब से जा रहा हूँ तो मुझे कम से कम 1000-1200 रुपये पड़ जाता है, इसलिए मैं बस से जा रहा हूँ। और यहाँ से शायद 48 या 50 किलोमीटर के समथिंग दूर है, ये एयरपोर्ट बहुत ही आउटर में है, तो ठीक है यहाँ के हिसाब से तो ये रेट ठीक ही है। बाकी एक मलेशियन करेंसी में इंडियन 18.75 रुपीज़, यानी आप अप्रॉक्सीमेट 19 मान के चलो 19 रुपये होते हैं। और बाकी इस वीडियो में जुड़ रहा हूँ मैं आपको वीज़ा ऑन अराइवल का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, आप देख के रहना वीडियो को। अब मैंने आपको इस टाइम दिखाई दी है, मैंने वीज़ा ऑन अराइवल ले लिया है और बहुत कम लोग ले पाते हैं वीज़ा ऑन अराइवल, और मैंने ले लिया है। देख रहे हैं ऐसी बस है यहाँ पर, तो मुझे सिटी तक लेके जाएगी 280 रुपीज़ में। भाई आवाज़ के लिए मैंने सुनने वाला बहुत खराब है, आज लेके आता हूँ दवाई। ठीक है अंदर से भी बस कंफर्ट है, तो चलो चलते हैं केएल टावर चल के, वहाँ में आपको मिलता। भाई मैं आप निकाल रहा हूँ मोनो रेल की टिकट, मैं आ चुका हूँ स्टेशन पे केएल, क्या नाम है हम केएल स्टेशन, तो यहाँ आ चुका हूँ। यहाँ से मैं जाऊँगा बुकेट बनटांग जो मेरी लोकेशन है, तो उसके लिए मैं टिकट आपके सामने लेता हूँ कैसे। टिकट बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो ये मैंने करा इंग्लिश, जैसे ग्रीन लाइन है, ये मेरी लोकेशन है बुकेट बिंटांग, अजीब से नाम है। ये मेरे करना कैश, अब मुझे यहाँ पे डालना अपने कैश। अभी हो गया, मैंने 3 रिंगर डाले हैं, मेरा टोकन चिल्लर ही आ गया। चलो मोनो रेल की तरफ चलते हैं, ये ऐसा टोकन है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। एयरपोर्ट से हम बस में आ गए केएल स्टेशन, केएल स्टेशन से अब हम मोनो रेल से जा रहे हैं, ग्रीन लेन है, बहुत ही जैसे अपन दिल्ली में मेट्रो से देख लेते हैं लोकेशन, वैसे आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो ये से मेट्रो टाइम करा और वही आगे टोकन हम डाल देंगे। चलो चलते हैं मोनो रेल दिखाता हूँ, यहाँ की मोनो रेल बहुत ही बेसिक है जैसा कि अपने यहाँ की मेट्रो होती है वैसे ही है। और यह है ग्रीन लाइन, और यहाँ से मैं जाऊँगा बुकेट बिंटांग के बाद, आपको जो का नाम बताया थोड़ी ग्रांड स्टेशन ऊपर नीचे हो सकती है, वो एक मेन लोकेशन है, सारे ट्रैवलर्स वही रुकते हैं। मैं आपको हॉस्टल भी दिखाऊँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा फिर जाना ट्रैवल पूरा प्रोसेस। तो वीडियो में जुड़ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये वीडियो आपके लिए। और ये मोनो रेल जस्ट मेरे पीछे है मोनोरोल स्टेशन, यहाँ से मैं उतर गया, वॉकिंग डिस्टेंस में ही मेरा हॉस्टल है, 100 मीटर भी नहीं होगा मुश्किल से। ये था स्टेशन, उतर के मैं नीचे आ गया हूँ। और भाई इतने चिंटू हैं यहाँ पे लोग, सच में मेरे को एक बार खांसी भी आई, एक चिंटू को तो ऐसी फटी वो साइड से उड़ गया मेरे बगल में से, बताओ कितना भयंकर डर डर है यहाँ पर, कोविड का तो भयंकर ही खौफ है। बट कोई ना छोड़ो, होने दो इनको अपने, क्या वैक्सीन वाले अपन तो। और यहाँ से निकलते हैं, हॉस्टल पहुंचता हूँ, हाथ मुँह धोता हूँ, फिर मैं आपको मेन बात बताता हूँ। बाकी ये देखो मेरे हॉस्टल के पास की जगह, ये है भाइयों मेरा हॉस्टल और ये मेरा बेड है। अभी तक तो मैं अकेला और एक चिंटू और ही है, अब ये पता नहीं कहाँ से है। मैं तो भाई अभी आके सो गया था, तो
मस्ती में भी आके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको सुननी है, वीज़ा ऑन अराइवल इंडियंस को कैसे मिलता है वो पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप मलेशिया में, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया या सिंगापुर से आते हो तो ही आपको यहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। डायरेक्ट इंडिया से आते हो तो वीज़ा ऑन अराइवल नहीं मिलता। सपोज करो कोई थाईलैंड आगे घूमने मूड बन गया, चलो मलेशिया भी आ जाए, तो भाई आप आ सकते हो। बहुत सिंपल प्रोसेस है। एयरपोर्ट से जैसे ही आप निकलते हो, वॉक करते करते आप इमिग्रेशन साइट की तरफ आते हो, तो वैसे तो यहाँ पे सबसे बड़ी ख़राब चीज़ मुझे ये लगी कि इन्होंने वीज़ा ऑन अराइवल के लिए एक बोर्ड साइनेज नहीं दे रखा, जैसे थाईलैंड में साइनेज लगे हुए हैं ना कि वीज़ा ऑन अराइवल, ऐसा नहीं है। आपको पूछ पूछ के ऑफिस जाना पड़ता है। तो ऑफिस जाओगे आप, एक ऑफिस बना हुआ है वहाँ पर आप जाओ और काउंटर पर चल जाओ, बता दो वीज़ा ऑन अराइवल लेना है, वो आपको फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को भर दो और आपसे कुछ नहीं पूछेगा, सिंपल सा पूछेगा किस कंट्री से आए हो, आप बता दो भाई थाईलैंड, इंडोनेशिया या ब्रुनेई या सिंगापुर से आए हो, और नेशनलिटी पूछेगा, जैसे इंडिया से था मैं तो मैंने इंडिया से बता दी। उसके बाद आपसे पूछेगा कितना पैसा है, मैंने बता दी भाई $500 मेरे पास कैश है और 700 रिंगेट है जो मलेशियन करेंसी है, तो मैं इतना मैं लेके कैरी चल रहा हूँ, तो मैंने बता दिया। फिर उसने फॉर्म भरवाया और पासपोर्ट लिया, स्टैंप लगाया, थोड़ी देर बैठने को बोला, और जो वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस है वो है 200 रिंगेट, यानी अप्रॉक्सीमेट 3700 रुपये, 3800 रुपये मान के चलो। तो वो पैसा आपसे लेते हैं, क्या बोलते हैं, कार्ड से, कैश नहीं लेंगे। तो ये याद रखना कि आपके कार्ड में भी पैसे होने चाहिए, वो कार्ड से ही पेमेंट होती है, कैश नहीं होती। और ये प्रोसेस मुश्किल से 20 मिनट का, इससे ज़्यादा नहीं है। वो आपको वीज़ा ऑन अराइवल का स्टैम्प दे देंगे जो मैं दिखा देता हूँ आपको, और मैंने दिखाई दिया है वैसे तो, और उसके बाद आप जा सकते हो। बस इतना सा प्रोसेस है और कुछ नहीं है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करो या मुझे डायरेक्ट मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको इस चीज़ के लिए बताता हूँ। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और आप चाहते हो एक सेपरेट वीडियो ही बनाऊँ वीज़ा के लिए, तो वो मुझे आप कमेंट करके बता देना।